ये देखो भाई खूटा आ गया हमारा खूटा, बहुत मेहनत से पकड़ के लाए हो तुमने। हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सब चीजें करके, तो और दुनिया को बता रहे। अब इससे इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, कहीं टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं जा रहा है। आज सवेरे के 11 बजने आ गए और हम उठ गए। हम इतने लेट क्यों उठे, क्योंकि रात को 3:30 बजे हम सोए और मंसूर भाई भी 3:20 पे कुछ पहुंचे बम्बई। सही सलामत पहुंच गए, वही काफी है। उसमें सवेरे 5 क्यों नहीं बज जाते, मगर सही सलामत जाना चाहिए। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. मैं भी इतने आराम से इसलिए उठाऊ क्योंकि वेंडर आएगा अपना 11:30-11:30 बजे, तो वो आएंगे जब काम शुरू होगा, तब तक तो आराम करना चाहिए। और जिम तो हम जा नहीं रहे पिछले 2 दिन से, सैटरडे भी नहीं गए, हाँ 3 दिन से जा नहीं रहे जिम। और जब तक ये काम खत्म नहीं होगा जब तक हम जिम नहीं जाएंगे, मगर डाइट कर रहे हैं हम, कल नहीं कर पाए। मेरा नाश्ता हुआ और ये वेल्डर वाले भाई आ गए। हम इन्हें मामा बोलते हैं, मामा सही है। आज तो कंप्लीट होगा पूरा, पक्का पूरा पूरा, चलो सही है। ये देखो ये देखो ये नुकसान, कल रात में जो रखा था थोड़ा सा खाया और उसमें से वेस्ट हो गया। ये अभी रखा है मैंने, तो इसका भी नुकसान कर रहे हैं भाई। कैसे खिलाते हो जो लोग ऊपर ट्रे लगा के नहीं खिलाते यार, जो खूटे पे भी पालते हैं, कैसे खिलाते हो ये पता नहीं यार। देखो मस्त खा रहा है यहाँ पे, लोग खा तो रहे हैं मगर खाने से ज़्यादा गिरा रहे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ दूसरा प्रबंध करना पड़ेगा। तो वो प्रबंध क्या करते हैं देखते हैं। देखो ये भाई का काम यहाँ चल रहा है और मेरा काम यहाँ पे, ताकि इनका यहाँ का काम जब तक कंप्लीट होगा तो उनको यहाँ का काम करने आसानी होगी। घर घर जाके वैक्सीन लग रही है, सुविधा ही सुविधा है। देखो घर घर जाके वैक्सीन, ये काम होते होते आया है और मैंने अपना काम कर दिया। देखो मेरी कलाकारी देख रहे हो आप, ये सारे काम मैं कर लेता हूँ और ये आज से नहीं पहले से ही मुझे आदत है, तो मैं कर ही लेता हूँ। जब आता है तो करने में क्या हर्ज है, कर लेना चाहिए। पूरा लेवल ट्यूब वगैरह के साथ एकदम, देख रहे हो तुम। मेरे हाथ में अभी कोई काम नहीं है तो ये वाला काम मैं कर लेता हूँ, जब तक वो अपने भाई वेल्डिंग करने वाले वो उनका काम करेंगे। एक हीरो का प्लेटफॉर्म तो चले गया मुफासा के नीचे, अब ये ऐसा ही पड़ा हुआ है तो इसे यूज़ में आएगा। ये कहाँ यूज़ में आएगा दिखाता हूँ। मुफासा के पास उसके कैल्शियम ब्लॉक्स लग गए, वो एंजॉय कर रहा है और मेरा भी काम यहाँ पे शुरू है। इतना किया मैंने, थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला काम कंप्लीट होने आया है। घंटे में आएंगे बोलकर 4 घंटा लग गया आपको आने के लिए। चलो अभी फटाफट कर, देखो मैंने आपका बहुत सारा काम कर दिया। देखो ये देखो मैंने कितना काट के लगा दिया यहाँ पर, देखे थैंक यू बोलो थैंक यू। हाँ ये देखो मुफासा कितना मस्त आराम कर रहा है, अल्लाह इसे नजर से बचाए, दुआ दो सारे जानवरों को। बात है ये भाई आने के बाद तो काम एकदम फटाफट हो गया हमारा, सही है एकदम बढ़िया काम चल रहा है। वेल्डर वाले भाई खाना खाने चले गए और हमारा काम तो चल ही रहा है। मैं रुका हूँ किसी के लिए, फिर साथ में ही खाना खाएंगे। आज मेरा काम तो ज़्यादा नहीं है मगर कौन सी चीज़ें कहाँ लगानी है ये सब बताते बताते ही मेरी हालत ख़राब हो रही है, मगर काम हो रहा है, इंशाल्लाह आज हो जाएगा। फिर बाकी मेरे काम तो चलते ही रहने वाले, और सबसे बड़ा काम तो यहाँ होगा कुछ देर में। देखो ये माही ने क्या जूस लाया हमारे लिए, वाह भाई वाह। अरे 3 क्यों, वेल्डर अंकल तो नहीं है वो, उनका रख दो आने के बाद पियेंगे। छाछ बनाया अम्मी ने, छाछ मेरे डाइट के हिसाब से सही है। देखो लग गया मस्त एकदम बढ़िया। ये देखो भाई खूटा आ गया हमारा खूटा, बहुत मेहनत से पकड़ के लाए हो तुमने। हाँ ओ यासर भाई, यासर भाई ने लाया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सब चीजें करके, तो और दुनिया को बता रहे। अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो कल ही मैंने यासर भाई को बहुत, और कल हम लोगों को पसंद नहीं आया खूटा। हाँ कल आपने को पसंद नहीं आया खूटा, आज मिल गया भाई ने लेके आ गए। बहुत हैवी है मगर मैंने देखा उठा कर, बहुत हैवी है। वहाँ उनका काम चल रहा है और यहाँ पर मेरा, टाइम जाया नहीं करेंगे, कंप्लीट करना है आज। उनका तो पता नहीं मगर मेरा कंप्लीट करूँगा मैं। ये काम छोड़ के हम ये काम में लग गए,
देखो आज पूरा डेढ़ घंटा लेट हो गए हम फीड डालने में, पूरा डेढ़ घंटा, 6:30 बज रहे हैं और ये ऑलमोस्ट टूट ही गया है। वहाँ का जुड़ने का काम लेट हुआ, तोड़ने वाला जो काम है वो जल्दी हुआ, इसीलिए तो लोग जोड़ने से ज़्यादा तोड़ने में ध्यान देते हैं, समझ रहे हो। मुफासा अपनी जगह पर चला गया, फीड खत्म हो गया सबका, वेल्डिंग वाले भाई साहब भी चले गए और अब हमारा काम होगा शुरू। अब ये जो इतना सब कुछ तोड़ा है हमने, ये बाहर भी तो ले जाना है, ऐसे थोड़ी छोड़ पाएंगे हम। देखो ये स्पेस कभी देखा नहीं था आप लोगों ने, ये भी स्पेस था हमारे पास मगर ये डेड स्पेस था, और ये हमारा कूलर पड़ा है जो हमें गर्मी में काम आता है हमारे बकरों के लिए। कर रहे हैं अभी, कर लेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ का क्लियर होते होते आया, ये हमने प्लेटफॉर्म हटाया, इसके नीचे देखो ये सारा एक घूसने लेके गया है पूरा के पूरा, कितनी गंदगी करके रखी थी देखो यहाँ पे। हम वहाँ जाते रहते, हमारा ध्यान ही नहीं था वहाँ पर, कितनी डस्ट उड़ रही है यहाँ पे। ये पोता भर के तो सिर्फ कचरा निकला है और इसमें ज़्यादा तो क्या है देखो, तुअर भूसा। देखो पूरा एक लेवल हो गया यहाँ पर पूरा, थोड़ा अभी साफ करते हैं और सुल्तान को यहाँ बांधते हैं। सुल्तान को यहाँ क्यों बांधते हैं देखो, 2 मिनट में पता चल ही जाएगा। सुल्तान आ गया यहाँ पे टेम्पररीली, अब सुल्तान जहाँ पे था वहाँ कुछ काम करना है। रात के 9:15 बजने आ गए और अब चलेगा हमारा काम यहाँ पर। कितना बड़ा ब्लॉक, ये सारे रूम में ब्लॉक ही बिछाए थे मैंने। ये गोट रूम पहले मेरा स्क्रैप का गोडाउन था, मेरा स्क्रैप का बिजनेस भी था पहले, तो ये ब्लॉक्स इसलिए डाले थे ताकि हैवी वेट जो सामान है उससे जमीन खराब ना हो। अब निकले इनके ब्लॉक, अब शुरू होगी यहाँ पे खुदाई। देखो भाई काम होगा और आज ही होगा। यहाँ पे हमने लाइट लगा दी क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर कुछ अभी, और हमारा देखो काफी सारा हो गया और ये जमीन इतनी सख्त नहीं है अंदर नीचे, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। क्या कर रहा हूँ माही मैं? खजाना ढूंढ रहा हूँ। हाँ। माही बोलती अब्बा खजाना मिला तो मुझे बुलाना, खजाना निकलेगा इसमें से। हाँ। खजाना निकलने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बस हमारी मेहनत को अल्लाह कबूल करे, आमीन। देखो हमारा माल आ गया है यहाँ पर, अब पूरा खड्डा हो गया है 2 फुट का, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस ये माल को रेडी करना है और फिर अपना काम खत्म। देखो भाई माल तैयार है और ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हम लोगों ने इतना काम करवाया है कि हम देख देख के ही सीख गए। अभी इसे मुकम्मल कर दे, हो जाएगा बस, इसे बस ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता है, ये है लेवल टू। अब इससे इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, कहीं टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं जा रहा है, ऐसे लगा कर देखते हैं, जो साइड सीधा रहेगा उधर लगाएंगे। रात के 11:30 बज गए और फाइनली हमारा काम ये हो गया। अभी ये जो साइड में जो सपड़ा है इसे पड़ा ही रहने देते हैं, कल सवेरे जब उठेंगे तब हटाएंगे इसे। यहाँ पे काम करके माल बच गया तो मैंने देखो वहाँ पे यूज कर दिया उसे। चलो काम तो हो गया, सुल्तान यहाँ है, बस एक ही काम बचा है अब, वो है जानवरों को तेल पिलाने का। सीजन का जो हम लोगों ने तेल बनाया था वो फर्स्ट टाइम आज हम लोग पिलाएंगे। चलो खत्म करते हैं इसे और अंदर जाते हैं। रात के 12:30 बजने आ गए और हमारा काम भी खत्म हो गया और आ गए हम लोग घर में। सबसे पहले तो हम फ्रेश हुए और हमारी जो सलाह बाकी थी हमने वो कंप्लीट की और खाने को आ गए। अभी खाना खाएंगे फिर जाएंगे और वीडियो एडिट करेंगे और आप लोगों तक ये वीडियो आ जाएगी 10:00 बजे। देखो ये सारे जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे ना पहले से हैबिट है, मैं पहले से करता हूँ छोटे मोटे काम घर के, बहुत सारी चीजें अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ करके मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, तो ये हैबिट पहले से मुझे और मैं पहले से करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। और मेरे पास कोई काम होता, काम तो बहुत है मगर ऐसे वक्त में वीकडेज में मेरे पास कोई काम होता तो क्या मैं ये करता? नहीं करता, मैं वो काम पे तवज्जो देता हूँ ये किसी को बोलता करने के लिए। तो मेरे पास वक्त है तो उस वक्त को क्यों ज़ाया करना है, इस वजह से मैं ये काम करता हूँ। देखो कितने सारे काम हो गए जो कोई बाहर का आके करता और मैं करवा भी लेता मगर मैंने खुद किए। तो अब ये काम जो किया है इसकी हैबिट तो है हमें मगर बॉडी को टॉर्चर हो जाता है, जैसे आज बैक में बहुत पेन है, कल क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, मगर हमारी बॉडी को हैबिट है ये सारी चीज़ों की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो कल भी बहुत सारा काम है, कल भी करना है, फिर उसके बाद कहीं पर निकलना है वहाँ निकल जाएंगे हम, वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम
कहाँ जाने वाले हैं, और आप लोग गेस तो कर रहे हो कि क्या होने वाला है कोर्ट रूम में। ये सारी चीजें आप लोग सही से गेस नहीं कर पा रहे, मगर गेस तो हो रहे हैं। मुझे तो वही चाहिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, अच्छा लगता है मुझे, आप लोग इतने कनेक्ट हो गए हो, बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है भाई। तो चलो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, छोटा ब्लॉग होगा, कोर्ट रूम में हम बस काम ही कर रहे हैं, वही ब्लॉग कर रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला वीस्ता। अभी तो हम लोग पहले खाएंगे और फिर जाएंगे एडिटिंग पर बैठेंगे। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय।